नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भरनो प्रखंड कार्यालय सभागार में एमओ प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई पीएडीएस दुकानदारों की आवश्यक बैठक। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को एमओ प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में पीएडीएस दुकानदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएडीएस दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एमओ ने कहा कि भरनो प्रखंड में इन दिनों प्रज्ञा केंद्रों और ब्रोकरों द्वारा पैसे लेकर लोगों का राशन कार्ड बनाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। स्थानीय विधायक जिग्गा सुसारण होरो तक भी ऐसी शिकायत पहुंच रही है, जिससे विधायक काफी नाराज हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राशन कार्ड बनाने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई प्रज्ञा केंद्र संचालक या ब्रोकरों राशन कार्ड बनवाने में पैसों की मांग करें तो इसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दें। राशन कार्ड के लिए लाभुक ऑनलाइन आवेदन जमा करें। सरकारी प्रक्रिया के तहत लाभुक का राशन कार्ड निःशुल्क बनेगा। इस विषय पर पीएडीएस संघ के जिलाध्यक्ष अर्खितानंद देवधरिया ने कहा, मार्केट में ब्रोकरों द्वारा लाभुकों से पैसे लेकर राशन कार्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे पीएडीएस दुकानदार बदनाम हो रहे हैं। ऐसे प्रज्ञा केंद्र या ब्रोकरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। नया राशन कार्ड बनने के 3 माह बाद डीलर को लाभुक का खाद्यान्न उपलब्ध होता है। बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मैं गुमला जिला के साथ साथ भरनो प्रखंड के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर यहां वहां नहीं ठगे जाएं। ठगी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और राशन कार्ड सरकारी प्रक्रिया के तहत बनता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। आप अपनी संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से कराएं और संबंधित विभाग प्रखंड आपूर्ति के पदाधिकारी के पास उसका डॉक्यूमेंट्स जमा करें। आपका राशन कार्ड निःशुल्क बनेगा और आपको किसी तरह का ठगी होने से बच जाएंगे इस प्रकार। और ठग आपसे पैसा ठग लेंगे और उसके बाद आपका राशन कार्ड भी वैलिड तरीके से नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपका राशन कार्ड कट जाएगा।